इंग्लिश बोलना कैसे शुरू करें, पार्ट 6 में आप सभी का स्वागत है। कैसे शुरू की जाए इंग्लिश बोलना, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को याद करके, उन्हें समझकर, उनसे रिलेटेड सेंटेंसेस के प्रैक्टिस करके और फिर उन सेंटेंसेस को अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में यूज करके। सेंटेंस स्ट्रक्चर्स कैसे, जैसे ये है 20 और 21। आज इन दो सेंटेंस स्ट्रक्चर्स की हम बात करेंगे, उसके बाद इनसे रिलेटेड सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे। आपको याद होगा पिछले 5 पार्ट्स में, ये पार्ट 6 है, इससे पिछले 5 पार्ट्स में हमने 19 सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को सीखा है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, www.spokenenglish.guru मेरी वेबसाइट पे आप जाइए, ब्लॉग पे क्लिक करिए, उसके बाद इंग्लिश सीखने के टिप्स एंड ट्रिक्स, और वहां पर आपको आर्टिकल मिलता है अंग्रेजी बोलना कैसे शुरू करें। इस आर्टिकल में आपको सभी वीडियोस एक के बाद एक सीक्वेंस में मिलते हैं, जाइएगा और सभी वीडियोस को देखिएगा और एक एक सेंटेंस स्ट्रक्चर को समझिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं दोनों स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर नंबर 20 और 21। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। यहां पर देखिए क्या लिखा है, आई वॉन्ट ब्रैकेट में एस या ईडी, उसके बाद टू, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेकिन यहां पर क्या है, आई वॉन्ट एस या ईडी ब्रैकेट में, उसके बाद यहां पर आ गया यू जो कि यहां पर नहीं था, उसके बाद टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां पर मैं चाहता हूं कुछ करना, जो करना चाहता हूं ना उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ये स्ट्रक्चर, ये मतलब है इसका। इस केस में मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें, तो आपके द्वारा जो काम किया जाए उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। इसमें उलझना नहीं है, बहुत सिंपल है, अभी मैं आपको सब समझाता हूं। यहां पर मैं चाहता हूं कि मैं कुछ करूं, यहां पर मैं चाहता हूं कि आप कुछ करें, या तो आप करें या वो करे या कोई और करे, कोई भी, लेकिन मैं खुद ना करूं। तो इतना फर्क है इन दोनों स्ट्रक्चर्स में। सेंटेंसेस जैसे कि मैं चाहता हूं कि लोग आपकी बात सुने, आप चाहते हैं कि हर कोई आपके सामने झुक जाए, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग पूरे देश की तरह ही तरक्की करें। एक बार इन सेंटेंस स्ट्रक्चर्स को समझ लिया आपने तो बहुत आसान लगेगा आपको। देखिए सबसे पहले बात करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर नंबर 20 की, आई वॉन्ट टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मैं चाहता हूं कोई काम करना, जिस काम को करना चाहता हूं उसकी फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। जैसे यहां पर आई वॉन्ट टू मीट यू, मैं आपसे मिलना चाहता हूं, अगर होता कि मैं आपके साथ खेलना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू प्ले विद यू, मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर। और अगर मेरी जगह कोई और है जो उस काम को करना चाहता है, किसी भी काम को, तो सब्जेक्ट की जगह पे उसके बारे में बताएंगे। जैसे कि यहां पर वो चाहता है, ही वॉन्ट्स, वॉन्ट के साथ क्या यूज कर लिया आपने, एस का यूज कर लिया। जो सेंटेंस की मेन वर्ब है उसके साथ में आप एस या ईएस का यूज करते हैं ना प्रेजेंट में, अगर सब्जेक्ट आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, ही शी या फिर किसी भी एक व्यक्ति का नाम, ऐसे केस में आप क्या करते हैं, वॉन्ट्स का यूज करते हैं। तभी तो यहां पर ऑप्शन दिया हुआ है, वॉन्ट्स प्रेजेंट के केस में, तब जबकि आपका सब्जेक्ट हो थर्ड पर्सन सिंगुलर, और अगर कोई और सब्जेक्ट है जैसे कि आई यू वी दे, ऐसे में आप एस का यूज नहीं करते हैं। ये तो बात हो गई प्रेजेंट की। अब बात आती है पास्ट की, जब सेंटेंस पास्ट में हो, जैसे कि मैं चाहता था, आई वॉन्टेड, वो चाहता था, ही वॉन्टेड, वे चाहते थे, एक से ज्यादा लोग हैं, दे वॉन्टेड, ठीक है। तो पास्ट के केस में सब्जेक्ट चाहे थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, प्लूरल हो, फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन, जो भी सब्जेक्ट हो, हमेशा वॉन्टेड पास्ट में। तो अब देखिए सेंटेंस है, He wants to wash my clothes. वो चाहता है धोना, क्या धोना, धोने को देखो wash कहते हैं ना, verb की first form, मेरे कपड़े, my clothes. रवि wanted to call his dad yesterday. ये past में है ना, रवि चाहता था call करना, call करने को call कहते हैं ना, ये verb की first form, अपने पापा को कल, तो ये past में बात हो गई। तो ये तो बड़ा simple formation है, इसमें जो भी आप चाहते हैं, आप चाहते हैं, वो चाहता है, जो भी है, प्रेजेंट में है तो वॉन्ट के वॉन्ट्स, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में वॉन्ट्स, और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट के अलावा कोई है तो केवल वॉन्ट, और पास्ट में कोई भी सब्जेक्ट हो तो वॉन्टेड और उसके बाद टू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
अब बात करते हैं स्ट्रक्चर नंबर 21 की। आई वॉन्ट यू, मैं चाहता हूं कि आप टू करें, किसी काम को करें। जैसे यहां पर देखिए, आई वॉन्ट यू टू डांस विद मी, मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, आप डांस करें। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ना वही किसी काम को करे। आप करें डांस किसके साथ, मेरे साथ। अब यहां पर चूंकि एक थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, वो चाहता है, ही के साथ वॉन्ट्स लग गया, वॉन्ट्स, वो चाहता है कौन करे काम, मैं करूं। देखिए, मैं क्या काम करूं, एक्सप्लेन यानी समझाना, विस्तार से समझाना, एक्सप्लेन करना, विस्तार से समझाना। ही वॉन्ट्स मी, वो चाहता है कि मैं एक्सप्लेन करूं दिस मेथड, इस विधि को, इस मेथड को। मान लीजिए यहां पर लिख देता हूं मैं आपको, टू यू। ही वॉन्ट्स मी टू एक्सप्लेन दिस मेथड टू यू। पास्ट का एक सेंटेंस हो गया कि शी वॉन्टेड मी, वो चाहती थी कि मैं कुछ करूं। अब मैं क्या करूं, देखिए, टू मेक, मेक मतलब बनाना, मैं वीडियोज बनाऊं रोज, वो चाहती थी कि मैं रोज वीडियोस बनाऊं। अच्छा, बोलने को तो इस सेंटेंस को देखिए इस तरह से ही बोला जा सकता है, शी वॉन्टेड, वो चाहती थी कि मैं बनाऊं, आई मेक वीडियोस एवरी डे, है ना। इस तरह से भी दैट के साथ आप बना सकते हैं, लेकिन दैट को हटाया, आई को, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन को ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन बनाया, टू लगाया और उसके बाद एज इट इज सेंटेंस को बनाया। अब इन सेंटेंसेस को भी तो ऐसे ही बना सकते हैं, आई वॉन्ट दैट यू। अब यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो कि सब्जेक्ट में आए तो भी यू है, ऑब्जेक्ट में आए तो भी यू है। यू डांस, जैसे यहां पर मेक आया, डांस विद मी, आई वॉन्ट दैट यू डांस विद मी, ही वॉन्ट्स दैट आई एक्सप्लेन दिस मेथड टू यू। लेकिन ये तरीका यूज किया जाता है एडवांस इंग्लिश में, ये थोड़ा सा लेंदी भी तो है, यहां पर दो अलग अलग क्लॉजेस हैं, एक ये एक ये, तो इतना लंबा कहने के बजाय ऐसा ना कहें। तो अब इस सेंटेंस स्ट्रक्चर की जरा प्रैक्टिस करते हैं, कुछ सेंटेंसेस मैं आपके सामने रखता हूं, देखते हैं कि आप बना सकते हैं कि नहीं। सेंटेंस नंबर वन, मैं चाहता हूं कि लोग आपकी बात सुने। इस सेंटेंस को तुरंत बना करके कमेंट्स में लिखिए, 15 सेकंड्स आपके पास हैं। मैं आपके साथ बैठा हूं और मैं देखता हूं कि आप में से सबसे जल्दी कमेंट्स में कौन आंसर करता है। मैं चाहता हूं यानी आई वॉन्ट, किससे चाहता हूं, लोगों से, आई वॉन्ट पीपल, उनसे मैं क्या चाहता हूं, वो क्या काम करें, सुनने का, सुनने को लिसन कहते हैं। आई वॉन्ट पीपल टू लिसन टू यू। सेंटेंस नंबर टू, आप चाहते हैं कि हर कोई आपके सामने झुक जाए। इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, आप चाहते हैं यानी यू वॉन्ट, क्या चाहते हैं और किससे चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सभी, हर कोई, एवरी वन, यू वॉन्ट एवरी वन क्या करे, आपके सामने झुक जाए। इसके लिए आप क्या यूज करेंगे, बो डाउन, बो डाउन, यू वॉन्ट एवरी वन टू बो डाउन टू यू। सेंटेंस नंबर थ्री, हम चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के लोग पूरे देश की तरह ही तरक्की करें। हम चाहते हैं यानी वी वॉन्ट, किससे चाहते हैं, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों से चाहते हैं। क्या चाहते हैं कि वो क्या करें, प्रोग्रेस करें, आगे बढ़े ना। वी वॉन्ट द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू प्रोग्रेस लाइक द होल कंट्री। सेंटेंस नंबर फोर, क्या आप चाहते हैं कि मैं वहां जाऊं। इस सेंटेंस को बनाइए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, क्या आप चाहते हैं। यहां पर ना आप, यू के साथ डू का यूज होगा, तो शुरुआत किससे होगी, डू से होगी। क्या आप चाहते हैं, डू यू वॉन्ट, किससे, मुझसे, कि मैं क्या काम करूं, वहां जाने का,
डू यू वॉन्ट मी टू गो देयर? सेंटेंस नंबर 5, क्या वो चाहता था कि आप मेरे दोस्त बने? ये सेंटेंस इंटरोगेटिव है और पास्ट में है, तो यहां पर आप डिड का यूज करेंगे, जैसे आप पास्ट इनडेफिनेट टेंस में करते हैं ना, यहां पर डिड का यूज करिए। क्या वो चाहता था? डिड ही वॉन्ट? यहां पर वॉन्टेड नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वॉन्टेड केवल और केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में आएगा, नेगेटिव में भी नहीं आएगा, इंटरोगेटिव में भी नहीं आएगा। डिड ही वॉन्ट, क्या वो चाहता था किससे? आपसे। डिड ही वॉन्ट यू टू बिकम माई फ्रेंड? बने, आप बने, आप क्या काम करने? बनने का, क्या? मेरे दोस्त। डिड ही वॉन्ट यू टू बिकम माई फ्रेंड? अब मैं होमवर्क के तौर पे एक सेंटेंस आपको देता हूं। वो क्यों चाहता है कि आप मेरी टीम में खेलें? वो क्यों चाहता है कि आप मेरी टीम में खेलें? इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करके वीडियो के कॉमेंट्स में जरूर लिखिएगा, मैं चेक करूंगा। और साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और तुरंत चले जाइए spokenenglish.guru पे, उसी आर्टिकल पे जहां पर मैंने आपको जैसा कि बताया, वहां पर जाके एक एक वीडियो को देखिए, नोट्स बनाइए सभी सेंटेंस स्ट्रक्चर्स के, उनकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, सी इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, टेक केयर, गुड बाय। अगर आप सभी वीडियोस एक के बाद एक देखना चाहते हैं तो स्पोकन इंग्लिश गुरु कंप्लीट कोर्स किट घर बैठे मंगवा सकते हैं। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है।